किस्सा कुर्सी का कब जाने में लगा हुआ और एक कब जाए बैठा। दोनों के बीच छोड़ है। गरीब आदमी का क्या होगा इसकी चिंता नहीं है। 4.5 साल तक तो एक ही स्टोरी है बस। क्या है स्टोरी? किस्सा कुर्सी का। एक कब जाने में लगा हुआ और एक कब जाए बैठा। दोनों के बीच होड़ है, गवर्नेंस की होड़ नहीं है। आम आदमी गरीब आदमी का क्या होगा इसकी चिंता नहीं है। इस प्रदेश में अपराध बढ़ रहे हैं, इस बात की चिंता नहीं है। आज तो मैं सुबह पढ़ रहा था, मैं तो सुबह ही आज अखबार में पढ़ा, एक सिपाही है उसके साथ 1,19,00,000 रुपए पकड़े गए। आज एक स्टोरी थी न्यूज़पेपर में आपके हैं, ड्रग का इतना बड़ा नेक्सस आपके इस जिले में आसपास में बन गया है कि हमारी जो युवा पीढ़ी है उसको नशेड़ी बना रहे हैं, इनका काम कर रहे हैं। और वो एक थानेदार था, वो कह रहा था तुम्हारी गाड़ी निकल जाएगी, 5,00,000 रुपए उसका रेट। आज की किसी अखबार में मैंने, आज तो भाई मैं तो कल की नहीं, मैं तो आज ही दैनिक भास्कर में, आपने दैनिक भास्कर में आज लीड स्टोरी है आप। तो हमारे यूथ का क्या भविष्य ये आप देख लीजिए। दूसरा भी फ्री का भी काम चल रहा है। एक तरकीब बहुत अच्छी है इनके पास, पहले दाम बढ़ा दो और फिर फ्री कर दो। जैसे पहले कर्जा दे दो उसके बाद माफ कर दो। बिजली के रेट सबसे ज्यादा राजस्थान में है, पहले तो रेट बढ़ा दिए और उसके बाद क्या दी, 100 यूनिट दे देंगे। अरे भाई 100 यूनिट फ्री दे रहे हो तो पड़ोसी राज्यों में देख तो लो रेट क्या है। आपके रेट कितने बढ़ाए आपने पिछले 4-4.5 वर्षों में? 4.5-4 वर्षों में राजस्थान की जो कांग्रेस की सरकार है उसने कितना महंगी बिजली कर दी, डबल से ज्यादा कर दी। आपने बिजली के रेट, अगर बिजली के रेट ही ना बढ़ाते हैं तब भी भला हो जाता है कंज्यूमर का तो। लेकिन क्योंकि चुनावी वर्ष इसलिए वो इस तरीके के काम करेंगे जिससे झांसी में फंसाया जा सके। लेकिन मैं एक बात कह सकता हूं कि हम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 9 वर्ष के जो काम है उसे भी इस देश की जनता भली भांति समझ रही है और उसका लाभ भी ले रही है। तो इन बातों से वो प्रभावित होने वाले नहीं है बिल्कुल भी। अगर आप रेप की घटनाएं ले लें प्रदेश में, आज राजस्थान इस देश में नंबर 1 पर है रेप की घटनाओं में। हर घंटे 17 रेप है। जो अपराध हैं अनुसूचित जाति के खिलाफ जो सबसे ज्यादा अपराध है वो आप राजस्थान में है। जो हमारी किशोरियों के खिलाफ सबसे ज्यादा अपराध बढ़ रहे हैं वो राजस्थान में। उदयपुर की घटना आप जानते हो, उदयपुर की घटना के तो आज आप नई स्टोरी सुनी आज मैंने, उसमें तो जो गवाह है शायद कल प्रेस हुई है जिसने वो पकड़वाने में मदद की अपराधियों को, आज उसकी जान को खतरा है। ये कानून व्यवस्था की स्थिति है, जिसने उस अपराधी को पकड़वाने में मदद की है आज उसकी जान को खतरा है। ये कानून की स्थिति, कानून व्यवस्था की स्थिति आज राजस्थान की। इसके अलावा और बहुत से काम है। अगर मैं राजस्थान में पानी की कमी, देश के प्रधानमंत्री एक बड़ी योजना लेके आए, जल से नल हर घर नल, नल की योजना, हर घर तक पानी पहुंचे। लेकिन आप इसे देख लीजिए, अगर इंप्लीमेंटेशन की बात हम करें, इसमें निचले स्तर से अगर सबसे कहीं खराब योजना जो है उसका इंप्लीमेंटेशन हुआ है, उस पर काम हुआ है, तो नीचे से 3rd नंबर पर केवल 38% घरों में आज राजस्थान में, राजस्थान की सरकार केंद्र सरकार की योजना का लाभ केवल 38% घरों तक पानी पहुंचाने में सफल रही है। केवल 38%। इससे पता लगता है कि इनकी काम करने की क्या, ये नहीं चाहते कि राजस्थान की जनता को साफ पानी मिले, स्वच्छ जल मिले, जिसके लिए स्टेट गवर्नमेंट को पैसा भी नहीं देना है, सारा पैसा केंद्र सरकार की योजना है। केंद्र सरकार द्वारा पोषित है, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की योजना है। लेकिन उसके बावजूद भी सबसे खराब इंप्लीमेंटेशन में अगर नीचे से लेंगे तो 3rd नंबर पर राजस्थान की सरकार। यह स्थिति आज राजस्थान में है